बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ। मतलब लेवल कैसा था क्वेश्चन का, हार्ड इजी? नहीं ठीक था, पेपर बहुत बढ़िया गया, संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के सिस्टम से संतुष्ट, ठीक है एकदम। बहुत कैसा पेपर गया? मस्त गया, मस्त गया, ठीक ठाक था, उतना भी हार्ड नहीं था। अगर कोई जो बनाने वाले हो तो वो तो बना ही लेंगे। मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा। जब सब सो रहे होंगे तब भी तुम्हें जाकर पढ़ना होगा, बड़ा सपना तुमने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल देवनंदन और आप देख रहे हैं बायजूस एग्जाम प्रेप बीपीएससी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बीपीएससी प्रीलिम्स, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स लगभग 4 महीने बाद फिर से कंडक्ट कराए जा रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं एक एग्जामिनेशन सेंटर पे और बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा। नितेश कुमार, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा गया। किस सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए? हार्ड में सबसे अच्छा था इतिहास का, बाकी सब इजी था क्वेश्चन, सब इजी था। हाँ। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 149 पूरा आइटम कर दिए, नेगेटिव नहीं है तो इस बार कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितना सोच रहे हैं कि आ सकते हैं? 110+, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? निमेश कुमार सिंह। तो कैसा पेपर है आपका? पेपर ठीक है। पेपर का जो लेवल था हार्ड, इजी, मॉडरेट, कैसा था? देखिए बिहार स्पेशल से कुछ खास क्वेश्चन दिया था, कुछ साइंस ले दिया था और कुछ ज्योग्राफी ले दिया था, मैथ थोड़ा टॉप दिया है। अच्छा, मैथ का मुश्किल लगा? हाँ। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? 120 का किया। 120 का किया, तो आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना सोच रहे हैं कितना रहेगा? 115 और 10 के बीच में रहेगा। 115। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आपका एग्जामिनेशन कैसा गया सर? अच्छा गया, बढ़िया गया। किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या हो सकता है, क्रिएटर फेयर ज्यादा था और हिस्ट्री। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 84 अटेम्प्ट किया। तो आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रह सकती है? कितना होना चाहिए वो तो आप रिजल्ट के बाद आने के बाद पता चलेगा। मेरा नाम हुआ दीपक, दीपक नाम हुआ, झारखंड से हैं। ठीक है, तो पेपर आपका कैसा गया? पेपर बहुत बढ़िया गया, संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के सिस्टम से संतुष्ट। ठीक है, तो किस सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सेक्शन इकोनॉमिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन था, डाटा लेवल का क्वेश्चन था। बिहार से कितना? बिहार से भी क्वेश्चन था, जो आता है 10-20 क्वेश्चन उसमें था, करंट अफेयर्स से। आपके अकॉर्डिंग मतलब कि कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार? कट ऑफ मेरे हिसाब से 110 के अंदर है। आपने कितना अटेम्प्ट किया पूरा? अटेम्प्ट तो सब करना है, नेगेटिव तो है नहीं। हाँ। लेकिन 100 क्वेश्चन मैं सही बनाया हूँ, चलिए बाकी सब अंदाज। चलिए भैया, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ठाक रहा। किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सभी सेक्शन से क्वेश्चन ठीक ठाक था। लगभग बिहार से कितने क्वेश्चन थे? बिहार से लगभग करंट अफेयर देखा जाए तो 5-6 था और जीके भी 5-6 था। ठीक है, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल 120 के आसपास आ जाना चाहिए, बाकी सही से। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रह सकते हैं इस बार? जनरल का भी 120 तो रहना ही चाहिए और ओबीसी का उससे थोड़ा कम रहना चाहिए, बस बाकी सब ठीक है। थैंक यू। चलिए और हो गया भैया, कैसा पेपर है आपका? ठीक था। ठीक था, ठीक। कैसा पेपर गया? मस्त गया, मस्त गया। किस सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? हिस्ट्री है, बिहार से है, करंट से है, तो साइंस हो गया। ठीक है, तो आप कितना अटेम्प्ट किए? पूरा अटेम्प्ट कर लिए। आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार? वही 102-103 के लगभग अप्रोक्स। ऐसे कोई किस विषय सब में जो डिफिकल्ट से नहीं आ रहे थे उस समय क्वेश्चन, मुश्किल थे? इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स थोड़ा सा था, सबसे अधिक हिस्ट्री क्वेश्चन था। क्या नाम आपका? संदीप कुमार। आपका पेपर कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। अच्छा, पिछले बार कंपेयर में इस बार का आपका पेपर कैसा रहा? ये आसान हमको लगा। ठीक है, आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? हमें तो सही सही 110 किया है। 110 किया। 100 पर मतलब 150 सब रंग आता है, लेकिन 110 ठीक है। कितना कट ऑफ जा सकता है आपके को? 105 लगभग जाएगा। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश कुमार। आपका पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था, बढ़िया था जी। किस सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर पूछे गए थे? इतिहास से ज्यादा पूछे गए थे। इतिहास से ज्यादा। बिहार से सर कितने आए थे? अब मतलब 15-20 के आसपास होंगे। जी, तो आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है कितना रहता है? 10 के आसपास रहना चाहिए जनरल ओबीसी सब टोटल। और अंडर का माहौल इस बार क्योंकि काफी चेंजेस किए गए हैं। बहुत अच्छा जी, चलिए शुक्रिया। मैम क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी। माधुरी कुमारी। मैम आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा, अच्छा रहा। मैम किस सेक्शन से सबसे ज्यादा मैम क्वेश्चन पूछे गए थे? पॉलिटी में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर लेवल ओवर में बात किया जाए तो एवरेज था, मॉडरेट था या हार्ड था? एवरेज था, एवरेज। आपने कितना अटेम्प्ट किया मैम? पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, पिछले बार की अपेक्षा मुश्किल था। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, लैंग्वेज तो हार्ड लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज क्वेश्चन। आपने कितना अटेम्प्ट किया मैम? लगभग 110 के आसपास में सही था मेरे समय से और बाकी अंदाजा। ठीक है, बेस्ट। मैम क्या नाम हुआ सर? कमलेश कुमार। तो आपका पेपर कैसा रहा सर? पेपर अच्छा रहा, बढ़िया रहा।
किस सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन 8 पेपर से हिस्ट्री से अच्छा था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? हाँ, इसमें तो निगेटिव था, अटेम्प्ट कर लिए, टोटल मारे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कितना कट रहा था इस बार? कट ऑफ 115 प्लस हो जाएगा। कैसा पेपर है आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। मतलब लेवल कैसा कैसा था क्वेश्चन का? हार्ड, इजी? नहीं, ठीक था। ठीक तो आप कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैं पूरा मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रह सकता है? मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती आप? मतलब आप पिछले बार एग्जाम ने दिया था तो इस बार का अगर कंपेयर करें? क्वेश्चन सही है, मतलब हिस्ट्री और साइंस वगैरह देखे थे तो वो सब तो एकदम इजी है और सब में मतलब ठीक है, लेवल सही है। तो पिछले बार आपने एग्जाम दिया था और इस बार दिए हैं तो इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो? नहीं, उससे मतलब बीपीएससी का लेवल इसमें मतलब ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है उससे, मतलब जो बच्चे पूरे सिलेबस कवर किए हों तो उनका बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मैम कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। क्वेश्चन का लेवल क्या था? हार्ड, इजी, एवरेज? ठीक ठाक था, उतना भी हार्ड नहीं था। अगर कोई जो बनाने वाले हों तो वो तो बना ही लेंगे अपने से। किस सेक्शन से सबसे ज्यादा मैम क्वेश्चन पूछे गए? तो वो पॉलिटिक्स से था ज्यादा। पॉलिटिक्स? हाँ। बिहार से क्वेश्चन आए? बिहार से भी क्वेश्चन थे, बिहार से भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऐसे कोई विषय जिसमें ज्यादा टफ थे, हार्ड मतलब डीप लेवल में पूछा गया था? पॉलिसीज में ही डीप, इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो सब में डीप था। बिहार, बिहार के मतलब बिहार का जो इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफिकल, ये सब है, ये सब। आपने कितने अटेम्प्ट किए मैम? मैंने तो पूरे अटेम्प्ट किए। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना रह सकता? अब कट ऑफ तो वही लोग जाने। हाँ हाँ, कौन? मेरा नाम सौरभ कुमार। तो कैसा रहा आपका पेपर? तो किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जो पहले पैटर्न था उसी पर बीपीएससी का पूछा है क्वेश्चन, पैटर्न चेंज नहीं किया। पिछले बार आपने एग्जाम दिया था और इस बार दे रहे हैं, कंपेयर करें तो कौन सा इजी हार्ड था दोनों में से? कंपेयर करें तो दोनों इजी था, आज का पेपर भी इजी था और पहले का भी पेपर था। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो किसी से नहीं बनेगा वो समानता है वो सबसे नहीं। आपने कितना अटेम्प्ट किया? एक्चुअली इसमें निगेटिव तो है नहीं, तो 150 का क्वेश्चन था तो 150 मैंने अटेम्प्ट किया। तो बिहार की बात करते, बिहार से कितने क्वेश्चन आए थे सर? बिहार से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से भी आया था, जनगणना से भी आया था और बिहार का जो प्रॉपर ये उससे भी आया था क्वेश्चन आया था। कौन सा सेक्शन ऐसा था, कौन सा विषय था जिसमें टफ लगा, थोड़ा सा डीप पूछा हुआ है? इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स में टफ क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स। तो इस बार का जो कट ऑफ है आपके अकॉर्डिंग कितना रह सकता है? वही 105 और 10 के बीच में। 105 और 10। मेरा नाम सुशील कुमार। आपका पेपर कैसा गया? पेपर ठीक ठाक गया, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। पिछले बार आपने एग्जाम दिया था, इस बार दिया है तो दोनों में कंपेयर करिएगा तो कौन सा हार्ड कौन सा इजी था? नहीं, इजी तो यही था लेकिन इसमें थोड़ा सा बिहार का सर्वे भी पूछ लिया था इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो गया। नॉर्मल। किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? किस सेक्शन से? सिलेबस तो दिया रहता है, 30 साइंस हो गया, 30 GS करंट हो गया, लगभग। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो 150 ओबियसली, जब निगेटिव नहीं तो फिर 150 अटेम्प्ट होगा ना। इस बार का कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या सोच रहे हैं, कितना जा सकती है कट ऑफ? कितना भाई? 95 प्लस।